अशोक नगर के ढाणी बुराला में पैंथर ने 5 बकरियों सहित एक भैंस के बच्चे को मारा। वन विभाग की टीम पहुंची मौके पर। बांसियाल के अशोक नगर के ढाणी बुराला में पैंथर ने गरीब किसान के परिवार को तबाह कर दिया। जानकारी के अनुसार ढाणी के बालूराम गुजर एक बाड़े में बकरियों को दूसरे बाड़े में भैंसों को बांधकर अंदर सो गए। रात को पैंथर ने आकर 5 बकरियों को मार डाला व एक भैंस के बच्चे को भी घायल कर साथ ले गए। वहीं दूसरे बाड़े में बंधी 2 भैंसों पर हमला कर घायल कर दिया। महिलाओं ने जब सुबह उठकर जल्दी देखा तो बकरियां मरी हुई पड़ी मिली, वही भैंस घायल अवस्था में मिली। मामले की जानकारी सरपंच मदन बोहरा व सहीराम गुजर को दी। मौके पर तुरंत वन विभाग की टीम को सूचना कर मौके पर बुलाया गया। सूचना पर वनपाल रतनलाल के नेतृत्व में वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। वही पैंथर को ढूंढने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पैंथर नहीं मिला। चिंजीलाल ठेकेदार ने बताया कि यह पैंथर आसपास की ढाणियों में हर रोज आते हैं, कई पशुओं के साथ घटना भी कर चुका है। ग्राम पंचायत में रासव, ग्राम पंचायत में रासव अशोक नगर है, उसमें वार्ड नंबर 1 में ढाणी बुराला में 5-6 भेड़ बकरियों को मार दिए थे और एक भैंस का पालड़िया को उठा ले गए। तो मेरा तो यही निवेदन है, गरीब आदमी का यही रोजी रोटी है, तो कृपा करके इनका मुआवजा देने की कृपा करें। सरकार से भी अनुमति करेंगे और डॉक्टर साहब से भी विनती करेंगे और वन विभाग से भी यही विनती करें, सब गरीब आदमी को मुआवजा मिलने चाहिए। देखा अशोक नगर ढाणी बुराला में तो वहाँ पर बकरी तो मारी हुई है, लेकिन क्या जानवर उसका भी पता नहीं चला। हम कोशिश कर रहे हैं, देख रहे हैं कि वह यहाँ पर जो मिलेगा उसको तहकीकात कर रहे हैं। ग्राम पंचायत बांसियाल वन्यभ्यारण बांसियाल के नाम से हो रहा है और बांसियाल ढाणी में बसा हुआ है और ये तो खेतों में बसी हुई ढाणी है, तो ये तो बांसियाल से कम जो वन विभाग है उससे 700-800 मीटर दूर पड़ती है, फिर भी यहाँ आया। 2-4 रोज पहले हमारे जालोड़ा की ढाणी में डेली रोज सुबह आता है, तो वहाँ भी परेशानी है और यहाँ भी, और वन विभाग इसकी चार दीवारी जल्दी करे और तारबंदी करे ताकि ये गांव को सुरक्षा मिले। और माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह विधायक खेतरी से भी बात की, उसके बताया तो वो बबाई आ रहे हैं, इसके मामले में बात करेंगे। पूरा गांव हमारे सरपंच जी भी साथ है, चिंजलाल जी भी सब जाएंगे हम और जाकर डॉक्टर साहब से बात करेंगे और वन विभाग को जल्दी से जल्दी तारबंदी चार दीवारी करवाए और इनको पानी पीने के लिए अंदर होना चाहिए, जो पानी पीने की व्यवस्था अंदर हो जाएगी तो शरीर बाहर नहीं निकलेगा। खेली भी बना रखी है, पानी डालते हैं, पर हर चारों साइड में हो जाएगी तो सर बाहर नहीं निकलेगा। ये मामला होता है हमारे, क्या है विभाग ने जल्दबाजी कर दी, यहाँ 15-20 पैंथर छोड़ दिए और उसके पहले वो चार दीवारी की तारबंदी ये की नहीं।